नहीं दिया। बिहार के मधुबनी में एक सरकारी स्कूल की टीचर के पति पर छात्रों के मिड डे मील के अंडों को चोरी कर बेचने का आरोप लगा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक स्कूल के किचन से एक आदमी अंडे की 5 क्रेट निकालकर ले जाता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान वहां एक और आदमी भी मौजूद था। आरोप है कि इसी आदमी ने दूसरे आदमी के जरिए स्कूल के किचन से अंडे निकलवाए और बाजार में जाकर बेच दिए। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोग गुस्से से भर गए और उन्होंने स्कूल पहुंचकर इस घटना के खिलाफ अपना विरोध जताया। हालांकि मामला सामने आने के बाद मिड डे मील के अधिकारी ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इस विद्यालय का मामला प्रकाश में आया है, जांच की जा रही है, अगर जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को 4 दिन हिरासत में रखने के बाद CBI आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश करेगी, जबकि ED की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम के 2 मामलों पर सुनवाई होगी। दोनों ही मामले INX मीडिया से जुड़े हैं। एक मामला CBI का है जिसमें वो हिरासत में है, दूसरा मामला ED का है। ED भी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में TMC के एक नेता की हत्या पर गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। TMC का ये नेता पार्षद था जिसकी बदमाशों ने घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और जमकर बवाल किया। कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोक दिया और नारेबाजी करने लगे। TMC कार्यकर्ताओं के रास्ता जाम कर देने से वहां अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ता लोगों की गाड़ियों को जबरदस्ती रुकवाते नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों के साथ उनकी बहस भी हो गई। इसके साथ ही TMC कार्यकर्ता इलाके की सभी दुकानों को बंद करने लगे। उनके तेवर देखते हुए दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोलने की हिम्मत नहीं की। वहीं TMC पार्षद के भाई का आरोप है कि चुनाव में टिकट हासिल करने के लिए उसके भाई की हत्या की गई। खालिद एक लोकप्रिय TMC का नेता है, इसीलिए सीट पाने के लिए या इसको गिराने के लिए इससे पहले भी हमला कर चुका है। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें देखकर हंगामा कर रहे कार्यकर्ता वहां से भाग गए। यूपी के बागपत में ई रिक्शा चालकों ने हाईवे पर जैम लगाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पुलिस पर शोषण करने और जबरन पुराने ई रिक्शे बंद करवाने का आरोप लगाया, जिसका विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में एकजुट हुए ई रिक्शा चालक हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ई रिक्शा चालकों के संगठन के एक नेता ने पुलिस पर रजिस्ट्रेशन के बहाने परेशान करने का आरोप लगाया। इन लोगों का शोषण करे जा रहा, इन लोगों के जा रहा कि रिक्शा को बंद कर दे, अब रिक्शा को बंद करेंगे हम कहां जाएंगे। वहीं हाईवे पर जाम लगाने की जानकारी मिलने पर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश में जुट गए। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने थाने में ई रिक्शा चालकों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की और समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग ई रिक्शा लेकर जा रहे एक आदमी को रोकते भी दिखाई दिए। राजस्थान के नागौर के पास एक इलाके में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस और लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि पुलिस और प्रशासन की टीम ने इलाके में पहुंचकर अवैध मकानों को गिराना भी शुरू कर दिया, जिससे लोग गुस्से में आ गए और लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया। लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया, लेकिन कुछ देर में वहां पुलिस की कई टीमें पूरी तैयारी के साथ पहुंच गई और हंगामा करने वाले लोगों को पकड़ने लगी। इस दौरान पुलिस टीम ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद कई इलाके के कई नेता भी वहां पहुंचे और प्रशासन की कार्रवाई पर एतराज जताया। लेकिन लोगों के विरोध के बाद भी पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान पुलिस ने मशीनों के जरिए वहां बने मकानों को गिराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहां मलबे का ढेर लग गया और लोगों का सामान भी बिखरा नजर आया। मकान के टूटने के बाद कुछ महिलाएं और बच्चियां फूट फूट कर रोती नजर आईं। हालांकि पुलिस वालों ने हालात को काबू में कर लिया, लेकिन इस हंगामे में कुछ लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन भारी मौसम। विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 31 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। RJD नेता लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव जन्माष्टमी के मौके पर
श्री कृष्ण वेश में नजर आए। भुवनेश्वर में एक ऑटो में धमाका होने से ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बलरामपुर में एक फार्म हाउस में चोरी से चंदन के पेड़ काटने की शिकायत दर्ज करवाई गई। यूपी के सोनभद्र में आई बाढ़ से दो सगी बहनों समेत तीन लड़कियों की मौत हो गई। यूपी के जालौन में एक महिला ने आरोप लगाया कि घर बेचने का विरोध करने पर उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। महाराष्ट्र के पालघर में एक एटीएम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये एटीएम कोटक महिंद्रा बैंक का था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई, जिसके बाद आग तेजी से पूरे एटीएम में फैल गई और एटीएम जलने लगा। आग की लपटें तेजी से बाहर की ओर निकलने लगी और वहां धुएं का गुबार उठने लगा। आग लगने के बाद एटीएम से कई बार धमाके हुए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इन धमाकों के बाद आग और भयावह हो गई और वहां मौजूद लोग घबरा गए। इस घटना में एटीएम में रखे लाखों रुपए पूरी तरह जलकर राख हो गए। भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान ने सुरक्षा बल की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने मध्य प्रदेश में खास तरह का फाइनेंसर स्लीपर सेल तैयार किया। बताया गया कि इस फाइनेंसर स्लीपर सेल में शामिल लोग पाकिस्तानी जासूसों तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे और इस काम के बदले उन लोगों को पाकिस्तान की तरफ से 8% कमीशन भी दिया जाता था। जानकारी के मुताबिक ये लोग इंटरनेट कॉल के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं के संपर्क में रहते थे। बताया गया कि मध्य प्रदेश के सतना में रहने वाले एक संदिग्ध को 2017 में भी टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। जो ट्रांजैक्शन है वो संदेहास्पद है, क्योंकि इनको अभी तक इन्होंने इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये जो इंक्रिमिनेटिंग नॉलेज जिसे हम बोलेंगे, इन्होंने उसको फर्दर ट्रांसफर किया है। बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ एक खाते ऐसे आए हैं जिसमें इन्होंने अभी तक यहाँ से जो खाते थे वो 50,000 से नीचे थे, ताकि आईटी के रडार से बच सकें, बट वो आगे जाके वो एक्युमुलेट हुए हैं, मतलब आगे जाके वो 1.5 लाख कहीं 2 लाख इस तरह के खातों में गए हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। राजस्थान के टोंक में एक घर की रसोई में सांप घुसने से हड़कंप मच गया, जिससे घबराए परिवार वालों ने सांप पकड़ने वाली टीम को मदद के लिए बुलाया और शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची सांप पकड़ने वाली टीम ने खास तौर पर तैयार औजार की मदद से रसोई में घुसे सांप को काबू में करने की कवायद शुरू कर दी। काफी देर के मशक्कत के बाद टीम के एक सदस्य ने करीब 5 फीट लंबे सांप को काबू में कर लिया और उसे किचन से बाहर निकाल लिया। इस दौरान पकड़ कमजोर होने पर एक बार सांप ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और फिर उसे एक झोले में बंद कर दिया गया। इससे पहले घर के किचन में सांप को इधर उधर घूमते देखकर घर के लोग दहशत में आ गए और सांप ने किचन का सारा सामान भी बिखेर दिया। बताया गया कि घर में घुसा सांप जहरीला नहीं था, जिसे पकड़ने के बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यूपी के बागपत में यूपी पुलिस से जुड़े दो जवानों के बीच पुलिस चौकी पर जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि एक जवान ने चौकी पर एक गाड़ी का चालान कर उसे छोड़ दिया, जिसका गेट पर तैनात जवान ने विरोध किया और इसी बात पर दोनों जवानों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों जवान एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई होने लगी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों जवान एक दूसरे पर हमलावर होते दिखे। इस दौरान एक जवान ने दूसरे जवान को हाथ मारा, तो वहीं दूसरे जवान ने इसका जवाब लात से दिया। चौकी ने छोड़ दी, मेरी ड्यूटी तो चौकी में तो बनती है। काफी देर तक दोनों के बीच झड़प होती रही। बाद में एक जवान वहां से चला गया और तब जाकर हंगामा शांत हुआ। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके वीडियो को देखा गया, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की रिपोर्ट भेजी जा रही है। जम्मू कश्मीर